दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है uh, अजीब सवाल है इट्स रिलेटेड टू समथिंग यू जस्ट सेड. म्यूजिक इज अ स्टेट ऑफ बीइंग म्यूजिक को जैसे ये मेरा प्रोफेशन इसलिए बना क्योंकि मैं वैसा हूँ मैं एक तरह का हूँ तो मैं ना केवल संगीत को समझ सकता हूँ मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को महसूस कर पा रहा हूँ जो एक आम आदमी महसूस नहीं कर सकता फ्लो स्टेट नहीं कर सकता हाँ वो मतलब ये कैसे इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग म्यूजिक इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट मैं ऐसा हूँ तो मैं आ, आ, आ गा सकता हूँ मैं सिर्फ ये नहीं हूँ कि मैं सुर में गाता हूँ नहीं नहीं अगर क्योंकि ये एक बीइंग है एक ऐसा स्टेट ऑफ बींग है जैसे हम ए में बैठे ए सी में बैठें तो हमको ठंड लगेगी तो हमारा ये होगा समझे ये जो हो रहा है ये म्यूज़िक है समझो हम एक ऐसे रूम में बैठे हैं जहां हमें बहुत ज़बरदस्त सर्दी लग रही है ये है म्यूज़िक ये हो रहा है इसकी वजह से ए की वजह से तो ये जो गाना बज रहा है ये जो मेरे दिमाग में सुर बज रहे हैं ये एक स्टेट ऑफ बीइंग से है आपने ऐसा सवाल पूछा कि मुझे मेरा एक जब मैं कभी बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में होता हूँ तो मुझे एक बात का एहसास होता है आई होप मैं इसको समझा पाऊँ बिकॉज ये एक सत्य है ना वो ओशो भी कह गए हैं उसके पहले वो ए, एक अष्टवक्र गीता में भी वो कहा कि सत्य को बताना ही उसको झुटलाना है सत्य कह ही नहीं सकते फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ उसके आसपास की बात बोलने के लिए वॉट इज म्यूजिक सुर क्या है दो चीज का उस म्यूजिक सुर एन ताल सुर ताल अब सुर क्या है फ्रीक्वेंसी है कराइट right? ये क्या है ताली तो है ताली तो है ये और ताल क्या है टा दिन ना क्या बज रहा है साउंड बज रहा है ना सुर तो बज रहा है तबले में हम ता 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 करते हैं हर रिदम का भी एक सुर होता है तो शून्य से शून्य तक की जर्नी है उफ ये है संगीत शून्य से शून्य तक की जर्नी है है उपज सुर की और ताल की एक ही शून्य से एक बन रहा है ताल एक रह एक बन रहा है सुर और इनका कॉम्बिनेशन आपको संगीत दिखा रहा है समझा रहा है बता रहा है महसूस करा रहा है आप रो रहे हैं आप हंस रहे हैं आप डांस कर रहे हैं आप ड्रग्स ले रहे हैं हर चीज़ वो आपको म्यूज़िक हर चीज़ हर जोन में ले जा सकता है पर उपज शून्य से है जाएगा भी शून्य में ओके आई एम श्योर इन द हायर कॉन्शियसनेस दर इज़ मोर देन सात सुर मतलब एक्चुअली बारह सोर सारे रे ग म प धनी ऐसे आएगा तो तो ये बारह सुर हो गए एक्चुअली मुझे लगता है इसके आगे भी होंगे आपको लगता है कि इसके आगे क्योंकि इज इज अ वर्ल्ड आई हैव क्योंकि पहली बार 2003 में मैंने किया था एक्सपीरियंस मैं एक बार मेरे मंदिर में बैठा हुआ था uh, मेरा उसके पहले वाला घर दस बंगले में बैठा था और मैं इसी मंदिर में बैठा था साइलेंस में से सडनली मुझे लगा दर्शन हो गए मुझे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए मेरे ऐसे मुझे लगा सब रुका हुआ है लेकिन सब जीवित है ऐसे सब जीवित लगा मुझे मैंने ये कभी दिमाग में आई क्यों नहीं बात मुझे वो उस बींग में तो उसके बाद मैंने ऐसे कई बार इस तरह के अनुभव किए हैं योगा करते हुए मैंने 2004 से 2005 तक पागल की तरह योग और मेडिटेशन uh, और सब uh, त्राटक वगैरह मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं रोही जी तो उनसे सीखा मैंने पौना घंटा पर डे से लेकर छः घंटा पर डे ऐसे शुरू हो गया था हमारा इतना लंबा तो तब मैंने अनुभव किया इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इन द फिज़िकल वर्ल्ड वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती बट इन द क्वांटम वर्ल्ड वो एग्जिस्ट करती हैं हंड्रेड परसेंट आई फील कि एक हद तक आपकी फिजिकल वर्ल्ड की ट्रेनिंग होती है जैसे कि हम रियाज की बात कर रहे थे या आपका गला तैयार हो जाता बिल्कुल पर एक आर्टिस्ट के लिए आफ्टर पॉइंट उसकी इम्प्रूवमेंट शायद सिर्फ एक हायर रैम से आ सकती है हायर या डीपर मैं तो चुनने से शून्य

थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ मैं समझा <laughs> आप क्या कह रहे हो मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ बेसिकली uh. अगर हमारे हाथ को देखा जाए तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ एटम्स अगर आपका एक हाथ दूसरे हाथ को टच कर रहा है एटम्स hmm. के बीच भी स्पेस होता है hmm. मतलब एक्चुअली आपके लेफ्ट हैंड के आटम आपके राइट right हैंड के आइटम को टच नहीं कर रहे जो प्रेशर आपको फील हो रहा है वो एक्चुअली रिपल्शन ऑफ एटम्स है बिल्कुल और तो और मतलब अगर आप सब सब अटोपिक लेवल पे जाएंगे तो आप अपने आप से को भेज सकते हैं इज अ गैप आप खाली इलेक्ट्रॉन्स खाली मैगने <laughs> क्या दुनिया है इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड कहाँ कहाँ लगे हैं हम लोग किधर hmm. पड़े हैं hmm. Hmm. तो इसलिए आई फील माई म्यूजिक स्टेम्स फ्राम मेरा बींग स्टेम्स फ्राम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्ट दैट यहाँ कहानी बेटा कुछ और चल रही है तो समझ कुछ और रहा है um, जो आप कह रहे थे कि अब आप hmm. uh, रियाज कर रहे हो तो क्या आप उस हायर रैम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो एज अ सिंगर इसलिए रियाज कर रहे हो कोशिश अपने आप में मिथ्या है कोशिश नहीं करना चाहिए रहो मैं हूँ बस मेरे को कुछ बनना नहीं है मुझे कभी पूछते लोग जर्नलिस्ट सर पाँच साल की बाद में आपका क्या कर मतलब कुछ नहीं।, नहीं 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 कुछ तो होगा आपका एम्बिशन मतलब एम्बिशन मुझे पता नहीं मैं अभी इसके घंटे बाद जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा ऐसे हमारे कितने दोस्त मर गए यार 43 की एज में अजय ए मर गए कितने हमारे बाजित मर गए 49 की एज में हमारे कितने दोस्त मर गए हम क्या उखाड़ लेंगे सोच के कि पाँच साल बाद क्या करना है रियाज़ करूँगा तुम तो ऐसा गाऊँगा फिर मैं ये बनूँगा मैं रियाज़ करता हूँ क्योंकि बस मुझे करना है मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है या यूनिवर्स ने दिया है जिसने भी दिया कायनात ने मुझे दिया है मेरा फ़र्ज़ है कि जिस मुझे नहीं पता क्यों दिया देखो अमिताभ बच्चन छः फुट दो इंच क्यों है उनको क्या पता उनकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है उनको क्या पता उनका क्रेडिट नहीं है कुछ है क्रेडिट ये है कि वो अपने उस गिफ्ट के लिए अभी भी निरंतर लगे हुए हैं है ना ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत है ये उनका क्रेडिट क्रेडिट नहीं है उन्होंने अपने वो कैसे रखा है लोगों से कैसे बिहेव करती हैं जो बहुत अच्छी लड़की हैं वो मैं जानता हूँ ये हमारी उपलब्धि है मुझे गाना दिया मुझे क्यों मतलब मैं ऐसे आई कोट भी ऑल्सो बीन बॉन्ड लाइक कि मतलब मैं भी सुर मुझे सुर दिया है ना तो उसकी इज्जत कर बेटा इज्जत कर तेरे हाथ पैर सक्रिय है ना इज्जत कर फिट रहे मेहनत कर उतने पर, उतना कर ये मत सोच कि मतलब ऐसी हो जाएगा सब कुछ तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जिसने दिया उसका सम्मान कर रहा हूँ बस बनना कुछ नहीं है बन चुके क्या बनेंगे किस सबका बाप बैठा है ऊपर <laughs> मैं ये भी मानता हूँ कि जो सर्कमस्टांसिस भगवान डाल देते हैं आपकी लाइफ में जैसे आपके केस में आपकी फैमिली बिल्कुल वो भी बहुत कंड्यूसिव थे आपके प्रेजेंट के लिए और आपके करियर के लिए बिल्कुल यही मानता हूँ मिला है वो भाग्य है अब आपके ऊपर है जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आपने कैंडल रख दिया है ना तो अब इतना मेरे हाथ में कि मैं आपको तंग करने के लिए इसको बुझा दूँ ये किस्मत नहीं है ये मेरी क्षता नहीं है तो कुछ आपके हाथ में जो आपकी कर्म है वो हैं किसी के साथ में अच्छा बिहेव करना है या नहीं करना किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना है या करना लेकिन ये जो, जो जोन है ये तो भाग्य है आप नहीं कह सकते कि मैं इतना हमने बड़ी मेहनत की पता है ऐसा <laughs> हमने कहा अबे कुछ मेहनत नहीं की तूने तेरे को माहौल दिया गया है मेहनत का लोग खड़े होते हैं सिग्नल में रेड लाइट के लिए डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हैं पीछे से ट्रक आता है उसका ब्रेक फेल हो जाता है वो कार के ऊपर चढ़ जाता है और तुम खत्म हो जाते हो hmm. और तुम पैरालाइज हो जाते हो कर ले रियाज तब बेटा uh -huh. कर रियाज कर ले वर्कआउट तब बॉडी बना अपनी hmm. और फिर क्रेडिट ले आया वर्क हार्ड यू नो आई आया था वेरी वर्क हार्ड हारो लाइफ यू नो ऐसे थोड़े हम स्टार बने हैं लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं हम तो बड़ा सोशल वर्क करते हैं वी डू अ लॉट ऑफ सोशल सर्विस यू आर डूइंग इट आर यू क्रेजी तुम्हें दे रहा है तो तुम दे रहे हो hmm. और कोई लेने वाला है तो तुम दे पा रहे हो लेने वाला नहीं होता तो तुम दानी कैसे बनते दानी को जिस जो ले रहा है उसको थैंक यू बोलना चाहिए तू मुझे खुशी दे रहा है मेरे को बड़ा महसूस करवा रहा है तू मैं देख कितना अच्छा मैं आई एम डूइंग सच तू जाके दोस्तों को बोल पा रहा है बेटा आई एम आई गिव दिस मच डोनेशन टू दिस पीपल एक अलग चक्कर है ये लोगों को सर झुका के चलना चाहिए क्या हो रहा है क्यों हो रहा है हमें पता नहीं इतना पता है कि कुछ जादू चल रहा है उसका नमस्कार करो और क्रेडिट मत लो किसी भी बात का सर आपसे बात करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है <laughs> कि ये आर्टिस्टिक कॉन्वर्सेशन है और अक्सर आर्टिस्ट से जब आप बात करते हो ये मैंने शो पे भी देखा ऑलमोस्ट हर कोई ना एक लेयर लेकर आता है पर आर्टिस्ट लेयर ले नहीं आते डायरेक्टली बात करने लगता है और मुझे आपके तो बाकी भी बड़े पसंद आते हैं आप इतना यू लाइक ए मेल्टिंग पॉट हैं क्या खूबसूरत आपकी जर्नी है मैं हमेशा मानता हूँ अहम ब्रह्म तो मेरे अंदर में एक था रणवीर मैं भी कभी सोचता था कि यू नो आई शुड डू अ शो जहाँ पे मैं हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को इनवाइट करूँ और उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछूँ उनकी समझ उनकी एग्जैक्टली वनडे आई मतलब मैंने भी सोचा था कुछ टाइम पहले मतलब कुछ सालों पहले मैं समझता हूँ कि अहम ब्रह्मस में तो मेरा ही एक पार्ट रणवीर रणवीर का एक पार्ट सोनू हम एक ही है ना एक उपज हमारी एक ही है यू आर एग्जैक्टली डूइंग बट आई हैड मैनिफेस्टेड लॉन्ग टाइम बैक फॉर माई सेल्फ कलेक्टिव कॉन्शियस बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि जब आप कुछ ख्याल डालते हैं तो वैसे कुछ प्रस्तुत हो जाता है आप इतना अच्छा करते हैं आई एम डाइग्रेसिंग बट आई एम टेलिंग यू आई हैव लर्न फ्रॉम योर शो सो मेनी थिंग्स मैंने आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल जो मैंने देखा था वो आपका अभिजीत चावड़ा का था Oh, okay. अरे इतना अच्छी कॉम्पोजिशन हो रही थी एंड द वे यू वर आस्किंग क्वेश्चन और आई एम श्योर हर शो के पहले जो गेस्ट आ रहा होता है आपकी उसमें स्टडी होती है कि इस आदमी का कि, किस किस पहलू पे क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ पता hmm. हो ये पॉसिबल नहीं संभव hmm. नहीं है ना हर इंसान को एक सीमित होती है बट आपको तो वो काम करना है कि अगर आपके साथ एस जयशंकर आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे मिलिंद देवरा आएगा तो आप क्या पूछेंगे hmm. आप सोनू निगम आएगा तो क्या पूछेंगे या जितने भी आपके इसमें लोग आते रहते हैं तो आपका तो काफ़ी आई नई लव द फैक्ट दैट यू आर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल जॉब इन एजुकेटिंग अ फुल जनरेशन एक समय ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे यार इस बारे में इस इंसान के बारे में जानना है चेक करते हैं जरा बेर बैसर में क्या है या इसमें क्या लिख इसमें तो right. <laughs> uh, थोड़ी सी एक एडिक्शन है मेरे लिए अब क्योंकि आई फील आफ्टर पॉइंट जब आपके लिए मेहनत थोड़ी आसान हो जाती है टीम बन जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता तो फिर आप मजे करते हो रीच दैट स्टेज ना हो बट टाइम लगा यहाँ पर पहुंचने में बिल्कुल हमारे भी तो ऐसे होते ही इनिशियली तो आपको एक सेटअप करने में वक्त लगता है जी। बाद में जब वो वो जो फूल खिल जाते हैं गुलशन हरा भरा हो जाता है फिर तो खुशबू 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 तो आप वो मैं भी वो इंजॉय कर रहा हूँ ब्यूटीफुल ग्लैड दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए